एपिसोड 89 लेकर आ गया और बंड कल्टीवेटर का चैन और लिन का मुकाबला चल रहा होता है। चैन अपने पंजे से उस पर हमला कर देता है, लेकिन लिन अपने तलवार से उसके हमले को रोक देता है। चैन बोलता है, ठीक है, मेरे एक और पंच को रोक के दिखाओ। लिन आराम से उसके हमले को अपने तलवार से रोक देता है और बोलता है, सोर्ड रिल्म। ली अपने मन में बोलता है, पता नहीं चैन बैक्सियन इसके सोर्ड रिल्म से कैसे बचेगा। फिर चैन ड्रैगन पंच से उस पर हमला कर देता है और वो अपने तलवार से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है। ली बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि लिन इसका सामना ज्यादा देर कर पाएगा। लॉन्ग बोलता है, लिन चैन का सभी हमला को रोक रहा है। दूसरी तरफ लिन चैन के हमले को रोक दिया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा। फिर चैन बोलता है, ठीक है, अब मेरे ये हमले को रोक के दिखाओ। फिर वो उस पर पंच का बारिश करने लग जाता है। सभी लोग बोलते हैं, यहाँ से जल्दी से निकलो, ये कोई इंसानों का मुकाबला नहीं है, ये दो मॉन्स्टर के बीच में मुकाबला चल रहा है। अगर हमें ये मुकाबला देखना है तो हमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना होगा। स्पैरो बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ के सभी लोगों को बाहर निकाल दी, नहीं तो ये मुकाबले के कारण कितना लोग मरता है यहाँ पर। आनिया अपने मन में बोलती है कि ये इमॉर्टल लेवल का एक्सपर्ट बन गया है। क्वांग अपने मन में बोलते हैं, अब मुझे समझ में आ गया, चैन को कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे और ताकत में, वो ये सबसे बहुत ही ज्यादा ऊपर है। दूसरी तरफ चैन बोलता है, लिन अपना ताकत दिखाओ, मैं तुम्हारा गेम को खेल के थक गया हूँ। लिन बोलता है, ठीक है। फिर वो ईयर शॉट टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत किसे बोलते हैं, और उसके पंच खाने के बाद वो पानी के अंदर घुस जाता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, लिन तो हार गया। हुआ अपने मन में बोलता है, मुझे पता था लिन टीचर के सामने कुछ भी नहीं होगा, ये पंच इनविजिबल पंच है और इसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी लिन बाहर आ जाता है पानी से और बोलता है, बैटल तो अभी शुरू ही हुआ है, मुझे पता है चैन बैक्सोन तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि तुम आर्टी इमॉर्टल लेवल में नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ पर पक्का मरना ही होगा। तभी उसका शरीर चमकने लग जाता है। चैन बोलता है, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें इतना हिम्मत कहाँ से हुआ कि मुझे अकेला चैलेंज करने का। ली बोलते हैं, लिन इस लेवल में कब पहुंच गया। यही बोलता है, ये तो ह्यूमन इमॉर्टल है। वातानाबे बोलता है, लिन इमॉर्टल लेवल में पहुंच गया है, अब मजा आएगा ये बैटल को देखने में। तभी लिन एक बड़ा सा पंजा निकालकर चैन पर हमला कर देता है। जी बोलती है, लिन अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया, वो तो टीचर के सामने कुछ भी नहीं था। हुआ बोलता है, लिन ह्यूमन इमॉर्टल लेवल में पहुंच गया है, इसलिए वो टीचर का पंच को रोक पा रहा है। तभी जी बोलती है, ये ह्यूमन इमॉर्टल क्या है। हुआ बोलता है, ह्यूमन इमॉर्टल लेवल उस आदमी को बोला जाता है जो इमॉर्टल होता है, और वो इसके बाद आराम से आर्ट इमॉर्टल बन जाएगा। ह्यूमन इमॉर्टल लोग आराम से इमॉर्टल एक्सपर्ट से जीत जाएगा। जाओ बोलती है, तो इसका मतलब टीचर बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है ना। दूसरी तरफ लिन चैन को पकड़ लेता है और उस पर तलवार से हमला करने लग जाता है, लेकिन चैन उसके हमला करने से पहले वहां से निकल जाता है और बोलता है, ये ताकत तुम्हारे लिए नहीं है। हे लिन, तुम इसे कितना घंटा कंट्रोल कर पाओगे, मुझे नहीं लगता कि तुम आज बच भी पाओगे। लिन बोलता है, ये काफी है तुम्हें मारने के लिए। यही बोलता है, ये असली इमॉर्टल लेवल का ताकत, ये हमारा सपना था कि हम लोग ये ताकत को कंट्रोल कर पाए। ली बोलता है, ये बहुत ही बेकार हुआ, लिन का बॉडी कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाएगा, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो चैन को रोकने के लिए ये सब करेगा। लॉन्ग बोलता है, लांग्या लिन फैमिली का फ्यूचर था, चैन उसे मार दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लिन फैमिली का रूट को मार डाला। लिन को चैन को मारना ही होगा, चाहे इसके लिए उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ चैन बोलता है, लिन तुम्हें यूनिट वे और टेक्निक के बारे में कुछ पता ही नहीं है और तुम इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, ये सही में समय और जिंदगी का बर्बादी है। लिन बोलता है, ठीक है, अब देखो। तभी चैन के ऊपर लिन बिजली से हमला कर देता है। चैन अपने मन में बोलता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है लिन के ऊपर समय बर्बादी करने का। फिर वो बोलता है, हे लिन, सभी लोग तुम्हें सोर्ड इमॉर्टल बोलते हैं ना, क्या तुम मेरा तलवार के हमले को रोक पाओगे। लिन बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो। तभी लिन वो सभी तलवार को निकाल देता है। लिन बोलता है, ये तो कांचन इमॉर्टल का 9 फ्लाइंग सॉर्ड है ना, ये 1000 साल पहले वाला इमॉर्टल का है ना। चैन बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि लिन फैमिली ये 9 तलवार का सामना कर पाएगा कि नहीं। लिन बोलता है, ठीक है। फिर वो बहुत सारे तलवार से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन उसके सभी हमले से बच जाता है। फिर लिन अपने सभी तलवार को जोड़कर एक बड़ा सा तलवार बना लेता है और बोलता है, मैं ये शॉट टेक्निक पिछले 60 सालों से सीख रहा हूँ, अब समय आ गया इसका इस्तेमाल करने का। लिन बोलता है, अब मुझे पता चला कि इसे शॉट इमॉर्टल क्यों बोला जाता है। यही बोलता है, लिन अपना 60 साल का ट्रेनिंग और इसके साथ ह्यूमन इमॉर्टल लेवल का ताकत इकट्ठा कर रहा है, इसका एक हमला आर्ट इमॉर्टल लेवल का एक्सपर्ट का है। लॉन्ग बोलता है, क्या चैन इसका हमला को रोक पाएगा। दूसरी तरफ चैन बोलता है, ये हुआ ना बात, 9 शॉट, मेरी बात मानो, ग्यूयान शॉट फॉर्मेशन। हे लिन, तुम्हारा शॉट इमॉर्टल टेक्निक का सामना मेरा ये फॉर्मेशन करेगा। लिन बोलता है, ठीक है। फिर वो उस पर हमला कर देता है।
दूसरी तरफ सभी लोग बोलते हैं अगर ये देखने के बाद यहाँ पर मैं मर भी गया तो मुझे इस बात का कभी भी अफसोस नहीं होगा। चैन अपने बड़े से तलवार से उसके तलवार को काट रहा होता है। चैन अपने मन में बोलता है इसका तलवार तो फिर से रिकवर हो गया, अब मुझे पता चल गया कि लिन का क्या ताकत है और मैं ज्यादा देर इसके हमले को रोक नहीं पाऊंगा, ये प्रोटेक्शन बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। तभी वह तलवार चैन की ओर आ जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। आनिया बोलती है कौन जीता यहाँ पर? तभी अचानक से चैन एक आर्मर पहन लेता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? चैन लिन का तलवार अपने हाथों से पकड़ लेता है। लिन बोलता है लैंगिया मैं अंत में हार गया, मुझे माफ करना। फिर चैन अपने हाथों से उसके तलवार को तोड़ देता है। यही बोलता है चैन बैक्सून के पास जो ताकत अभी वो ही के पास 50 साल पहले था ही नहीं। ली बोलता है चैन बैक्सून अट इमॉर्टल लेवल के हमले को रोक दिया, सही में ये बहुत ही बड़ा बात है। वाताना भी बोलता है समुराई लोग मरने से डरते नहीं है लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं, हम लोग अपने से ज़्यादा ताकतवर से ऐसे लड़ने नहीं जाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है चैन बैक्सून तो जीत गया। फिर मॉन्ग बोलता है ली ये सो टेक्निक को कल्टिवेट किया था पूरे 60 साल लेकिन फिर भी यह चैन बैक्सून के सामने टिक नहीं पाया। वो लड़की बोलती है वुमेन इमॉर्टल सही में सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन ये ताकत को पाने के लिए अपना जिंदगी देना पड़ता है ना, लेकिन ये ताकत पाने के लिए क्या किया होगा? हालांकि ये बैटल के बाद चैन बैक्सून बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, हमें सभी इमॉर्टल लेवल एक्सपर्ट को इकट्ठा करके उसको हराने का एक प्लान बनाना होगा। फिर चैन उन लोगों के पास आ जाता है और बोलता है लिन मर गया है लेकिन वो बहुत ही अच्छा ग्रैंड मास्टर था, ऐसे कोई भी लिन फैमिली को परेशान करने का कोशिश करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। सभी लोग डर के मारे बोलते हैं ठीक है मास्टर। तभी सभी लोग चैन के पास आके बोलते हैं चैन क्या तुम ठीक हो ना? चैन बोलता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं लिन को बहुत ही कम समझा, वो अपना तलवार को कल्टिवेट किया अपने बॉडी से, वो 60 सालों से कल्टिवेट कर रहा था वो भी एक हमले के लिए, लेकिन इससे पता चला है कि यूनिट लेवल में जाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि लिन अपने टैलेंट की मदद से वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाया तो मैं यूनिट लेवल में कैसे जाऊँगा, मुझे इसके लिए 2 से 3 इमॉर्टल लेवल का ट्रेजर चाहिए। फिर हमें नॉर्थ ज्वेल सेक्टर का हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। चैन अपना ताकत बढ़ाने के लिए सभी को सीक्रेट स्क्रोल और खजाना देता है जिससे नॉर्थ ज्वेल सेक्टर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। फिर वो हवा खाने के लिए बाहर आ जाता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम वहाँ पर हो, बाहर आ जाओ। तभी ली आ जाता है, बोलता है सही में चाय का गन तो बहुत ही अच्छा है, मैं हूँ उडांग से ली कैंगचंग। चैन बोलता है बाकी के सभी लोग का आने का हिम्मत नहीं है और तुम्हारे पास इतना हिम्मत है कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो। ली हंसते हुए बोलता है मुझे पता है कि सभी लोग तुमसे डरते हैं लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा तो तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लो इसके लिए तुम एक कप चाय पी लो। ली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम तो पहले ही वुमेन इमॉर्टल लेवल में हो ना? ली बोलता है तो क्या हुआ? मैं वुमेन इमॉर्टल लेवल में हूँ, ये बेकार ही है, जब तक मैं अट इमॉर्टल लेवल में ना जाऊँ। चैन बोलता है फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है कि मैं अट इमॉर्टल लेवल में नहीं हूँ, मेरे कल्टिवेशन के चलते मैं उसे जीत पाया हूँ। ली बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे पता चल गया अट इमॉर्टल में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जब तक। चैन बोलता है जब तक क्या? ली बोलता है जब तक हम लोग ये दुनिया से बाहर ना जाए। क्या तुम्हें इमॉर्टल सेक्टर के बारे में पता है क्या? चैन बोलता है इमॉर्टल सेक्टर? ली बोलता है मुझे लगा था तुम पहले इमॉर्टल सेक्टर से हो लेकिन मैं इस बारे में गलत था, इमॉर्टल सेक्टर का लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है लेकिन वो कभी अट इमॉर्टल लेवल से लड़ता नहीं है, यही है कल्टिवेशन दुनिया का गोल्डन रूल। चैन बोलता है फिर तुम्हें पता है ये इमॉर्टल सेक्टर कहाँ पर है? ली बोलता है उनका होने का सबूत कहीं पर नहीं है, मेरा असिस्टेंट मास्टर इमॉर्टल सेक्टर को सदियों से खोज रहा है, कुंगलुंग डोंगाई सुजन और किंगलिंग में शायद इमॉर्टल सेक्टर हो सकते हैं। मेरा असिस्टेंट मास्टर के हिसाब से उन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो अपने से ज्यादा ताकतवर से लड़ सकता है तुम्हारी तरह और वो लोग अपने आप को इमॉर्टल कल्टिवेटर बोलते हैं।